स्मार्टेस्ट यूट्यूबर एवर एलविश यादव। कुछ लोग इसको हरियाणवी किंग, कुछ लोग इसको छपरी, कुछ लोग इसको धर्म का मसीहा बोलते हैं, बट ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट यूट्यूबर एवर, जिसने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के साथ अपनी यूट्यूब चैनल की ग्रोथ 2 गुना नहीं 4 गुना ज्यादा की। और ये वाले पॉइंट पे इनकी सीक्रेट अर्निंग सोर्सेस आपको बताने वाला हूँ, जो अभी तक किसी ने रिवील नहीं की है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। If we go back to the beginning, Elvis ने starting में कुछ ऐसे content चुने जो काफी easily viral भी हो जाते थे, that means relatable content like types of student, GF versus BF, breakup comedy, India versus Pakistan, वो तब के time कुछ ऐसे content थे जो easily trend भी करते थे और evergreen content थे, जिसकी वजह से audience easily connect हो पाती थी। और इससे इनकी initial views तो दूर की बात है, video viral जाना start हुई, साथ में इनकी जो देसी हरियाणवी एसेंट है वो लोगों को काफी पसंद आती थी, स्पेशली टायर 2 टायर 3 सिटीज के लोग इनसे तुरंत कनेक्ट हो पाते थे। और यही बात इनको बाकी यूट्यूबर से लाइक आशीष चंचल यानी बीबी की वाइन से थोड़ी अलग बनाती थी। एल्विश को ज्यादा ग्रोथ किसने दिलाई होगी, तो वो है कॉन्ट्रोवर्सी ने। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के टाइम इन्होंने भी वो कॉन्ट्रोवर्सी में पार्ट लिया था, और जब इन्होंने ये वाली टिकटॉक वाली वीडियो अपलोड की तो वो वायरल हो गई थी। साथ में इंस्टाग्राम पे यही वीडियो के इतने ज्यादा शॉर्ट्स बने थे, जिससे एल्विश यादव की पर्सनल ब्रांडिंग की ग्रोथ काफी ज्यादा हो गई थी। बट एक कॉन्ट्रोवर्सी आपको लिमिटेड टाइम तक ही ग्रोथ दे सकती है, बट एल्विश के छोटे मोटे कॉन्ट्रोवर्सी तो होते रहते थे। 2023 की ध्रुव राठी के साथ वाली जो कॉन्ट्रोवर्सी सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी में से एक थी, क्योंकि वो टॉपिक इतना ज्यादा सेंसिटिव था जो रिलीजन के रिलेटेड था, केरला स्टोरी जो आप सब जानते ही हो। और वो कॉन्ट्रोवर्सी के बाद एल्विश यादव हमेशा स्पॉटलाइट पे रहते थे, ट्रेंड पे ही रहते थे, जिसकी वजह से इनकी पर्सनल ब्रांडिंग काफी ज्यादा बढ़ गई थी। एल्विश के अर्निंग सोर्स के बारे में आप सबको तो ऊपर से बताया होगा, जो बाकी यूट्यूबर ने बताया, लाइक यूट्यूब एडसेंस रेवेन्यू, ब्रांड स्पॉन्सरशिप, उनके व्लॉग चैनल की अर्निंग। बट एल्विश के कुछ ऐसे हिडन बिजनेस है जो आपको बिल्कुल नहीं बता होगा, जिसमें से एक टेलीग्राम चैनल। यस गाइस, एल्विश यादव का एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ वो ट्रेडिंग के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, और उसके बाद वो वेबिनार लेते हैं, एंड वेबिनार के बाद वो सब्सक्रिप्शन सेल करते हैं जो भी इंटरेस्टेड है उनको। लिक्विड मनी सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट में कमा सकते हैं और कोई फील्ड नहीं है, तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि हाँ मुझे आ गया। तो उसके बाद मेरे को लगा कि लोगों को भी बता दूं मैं भाई कि पैसा कर, क्योंकि सबको पैसा चाहिए आज की तारीख में। जस्ट थिंक गाइस, एल्विश यादव की पर्सनल ब्रांडिंग इतनी हाई लेवल पे, अगर वो 2000 रुपीस के सब्सक्रिप्शन बस 100 भी सेल कर दे तो उनकी इतनी ज्यादा इनकम हो जाती है, वो आप कमेंट सेक्शन में खुद ही मुझे बता सकते हो, आप तो जानते हो, कैलकुलेट कर लेना। साथ में गाइज, एल्विश यादव रियल इस्टेट के रिलेटेड भी काफी बिजनेस रन कर रहे, जैसे वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं रियल इस्टेट में, जो आप यहाँ खुद सुन सकते हो। कुछ कमा रहा हूँ तो उसका एक पोर्शन मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसा बना रहा हूँ जिससे मेरी मंथली इनकम या तो बढ़े, और आने वाले टाइम में भगवान ना करे अगर मेरा काम धंधा चौपट हो जाए तो वहां से मेरा उतना पैसा आता है जिससे मैं घबराऊं ना कि भाई मैं रोड पे तो नहीं आ गया। एल्विश हमेशा स्पॉटलाइट में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करते रहते थे, और इनकी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस टायर 2 टायर 3 सिटीज से आती है, जो ट्रेंड को काफी इजीली फॉलो करती है। आपने सिस्टम ये तो सुना ही होगा जो पेट्रोल के भाव से ज्यादा तेजी से ट्रेंड कर रहा था, एज वेल एज बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म। जब फुकरा इंसान बिग बॉस जा रही, जब ये पता चला ऑडियंस को, तो उनकी इंस्टा पोस्ट से लेकर बाकी सारे वीडियोस में ग्रोथ है वो 2x हो गई। बट जब एल्विश बिग बॉस में जा रहे, ये जैसे ही सबको पता चला तो उनकी ग्रोथ 2x नहीं 4x हो गई, क्योंकि इनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी आर्ग्यूमेंट एंड झगड़ों में काफी बोल्ड एंड स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, तो ऑडियंस के अंदर भी काफी क्यूरियोसिटी हो गई कि एल्विश अंदर जा रहे तो कुछ ना कुछ धमाका होने ही वाला है। आपको क्या लगता है, एल्विश तो स्टार्टिंग में भी बिग बॉस जा सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं गए? क्योंकि इसके पीछे दो रीजन है। अगर फुकरा इंसान के साथ वो जाते तो यूट्यूब की जो ऑडियंस है वो ऑब्वियसली स्टार्टिंग से डिवाइड हो जाती, तो उनको वो एडवांटेज नहीं मिलता, बट वो वाइल्ड कार्ड एंट्री से जा रहे तो पूरी की पूरी जो अभी ऑडियंस है वो सारी एल्विश यादव के पास जा रही है। वोट्स भी आप देखोगे तो फुकरा से ज्यादा एल्विश यादव को आ रहे। एज वेल एज सेकेंड बेनिफिट उनको यही है कि उनको पहले से गेम प्लान पता चल गया कि बिग बॉस के अंदर कौन कैसा है, कौन पर्टिकुलर का नेचर कैरेक्टर कैसा है, तो ये मेन दो बेनिफिट एल्विश को मिला ही। कमेंट करके जरूर बताना आप बिग बॉस में किसको सपोर्ट करो।